नमस्कार, फ्लावर्स एंड किचन गार्डन चैनल पर मैं कविता आप सभी दोस्तों का फिर से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इस एग्लोनीमा प्लांट के बारे में, जिसे हम चाइनीज़ एवरग्रीन नाम से भी जानते हैं। बहुत सारी वेराइटीज़ नर्सरी पर इसकी अवेलेबल है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जानकारी देने से पहले, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ऑल पर प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, देखिए ये एक बहुत ही बढ़िया और डेलिकेटेड और यूनिक प्लांट है, जिसे आपको किस तरीके से केयर करना है और गर्मी में इसकी किस तरीके से देखभाल करनी है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, या मेरे पास जो ये प्लांट है इसमें क्या प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, उससे रिलेटेड मैं जानकारी दूंगी आज। इसकी पॉट साइज, सॉइल के बारे में भी बात करेंगे, पेस्ट और फर्टिलाइजर के भी बारे में बात करेंगे, इसके ऊपर होने वाले स्प्रे के भी बारे में आज हम बात करेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो फ्रेंड्स, ये प्लांट मैंने नर्सरी से परचेस किया था कुछ 300 रुपीज़ में, और बहुत ही डेलिकेटेड प्लांट है ये, यानी कि इसे बहुत ही ज़्यादा संभाल कर रखने वाला प्लांट है। इससे जुड़ी कुछ ही ऐसे टिप्स हैं जो मैं आज आपको बताऊंगी, तो ये प्लांट आपके गार्डन में हमेशा बना रहेगा। आज जो मेरे वीडियो बनाने का मकसद है वो ये देखिए, इस तरीके से डिप्स येलो होना, तो सूखना या येलो होना ये तभी होता है जब या तो आप इसे अंडर वाटरिंग कर रहे हैं, यानी कि बिल्कुल ही सॉइल ड्राई हो रही है उसके बाद ही आप इसको वाटरिंग कर रहे हैं, या आप ओवर वाटरिंग कर रहे हैं। तो गाइज, मैं प्लांट में रोज़ वाटरिंग नहीं करती हूँ, इसी वजह से ये प्लांट इस तरीके से ड्राई हो रहा है। तो सोचा आपके साथ वीडियो शेयर करूँ, ताकि आपको भी पता चले कि इससे कम पानी और ज़्यादा पानी दोनों ही चीज़ें पसंद नहीं है, आपको एवरेज में इसको पानी देना है। अब आप सोचेंगे एवरेज में कैसे देना है? तो फ्रेंड, आपको इसकी मिट्टी डेली चेक करनी होगी, यानी कि वैसे तो इंडोर प्लांट है ये, तो इसको डेली वाटरिंग करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देखिए ये काय में लगा है, ये लगा हुआ है कोकोपीट में, तो कोकोपीट एक से ज़्यादा दिन तक गीला नहीं रहता है, उसमें पानी ज़्यादा स्टोर नहीं होता है, एक्सेस वाटर निकल जाता है, और जो पानी स्टोर होता है वो एक दिन के लिए सफिशियंट होता है। और देखिए यहाँ पर ये दो स्टेम्स निकली हुई है मेरे एग्लोनीमा में, इसमें पॉट में दो एग्लोनीमा लगे हुए हैं। मैं अगर चाहूँ तो इन दोनों को डिवाइड कर सकती हूँ और अलग अलग प्लांट बना सकती हूँ, लेकिन ये प्लांट अभी छोटा है, मैं सोच रही हूँ इसको थोड़ा बड़ा हो जाए तो इसे मैं डिवाइड कर सकती हूँ। देखिए यहाँ पर ये एक जो लीव्स है, इसे भी जो नोड एरिया मैं आपको दिखा रही हूँ, यहाँ से कट करके आप न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं, लेकिन मैं सोच रही हूँ ये अपने आप में ही थोड़ा अगर बड़ा हो जाए तो फिर इसे आप डिवाइड कर सकते हैं। तो प्रोपोगेशन की बात करें तो इसे इस तरीके से नोड एरिया से कट करके आप प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप इसे वाटर में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं, आप इसे सॉइल में भी प्रोपोगेट कर सकते हैं। अब इसके सॉइल मिक्स की बात करते हैं, वाटरिंग का अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो आप कॉमेंट बॉक्स में कॉमेंट करके पूछ सकते हैं। यहाँ पर ये लिपस्टिक एग्लोनीमा का प्लांट है, जो अभी गर्मी की वजह से देखिए डेड होने की कगार पे, आई थिंक ये बिल्कुल ही निकल चुका है। देखिए मैंने हाथ लगाया और मेरे ही हाथ में आ गया है, बट अभी भी इसमें जान बची हुई है, तो मैं इसको वाटर में प्रोपोगेट करूंगी और आई होप ये मेरा पिंक लिपस्टिक एग्लोनीमा का प्लांट ग्रो हो जाए। तो देखिए अभी तो मैंने इसको इसी में लगा दिया है, बट ये लीव्स मुझे काफ़ी हेल्दी दिख रही है, जो अभी न्यू निकली हुई है, तो होप सो ये आगे सर्वाइव कर जाए। तो इस तरीके से आपको वाटरिंग पर ध्यान रखना है गर्मियों में, और प्रोपोगेशन के लिए आपको इस तरीके से नोड एरिया से ये जो न्यू प्लांट्स निकलते हैं ना, नीचे से बेबी प्लांट्स निकलते रहते हैं, तो आप इसको जब मॉनसून आता है तब आप इसे प्रोपोगेट कर सकते हैं। वैसे इसका ग्रोइंग पीरियड फरवरी से लेके जो पूरे मॉनसून तक, ये तो इंडोर प्लांट है तो ये पूरे मॉनसून तक चलता है, सिर्फ विंटर में आपको इसकी स्पेशल केयर करनी होती है। विंटर में इसे आप वाटरिंग बहुत ज़्यादा ध्यान से दीजिए, क्योंकि कोकोपीट होता है तो वो जल्दी विंटर में नहीं सूखता है, यानी कि सूखता नहीं है वो, गर्मियों में तो जल्दी सूख जाता है लेकिन विंटर में नहीं सूखता है। तो पानी का ध्यान रखिए, उस समय कम पानी देना है आपको, चेक करके दीजिए, सबसे अच्छी बात है जब भी आप पानी दें चेक करके दें, और डेली आप अपने प्लांट्स को देखते रहें, उससे आपको उसकी हेल्थ का पता चलता रहता है। और देखिए दोनों प्लांट्स में न्यू ग्रोथ हो रही है और बहुत ही अच्छे से ग्रोथ हो रही है। सॉइल मिक्स की बात करें तो आप इसमें बराबर बराबर मात्रा में गार्डन सॉइल और पर्ल लाइट नहीं, आप गार्डन सॉइल और कंपोस्ट और कोकोपीट मिक्स कर लीजिए, उसमें आप 10% या 20% सैंड या फिर पर्ल लाइट भी मिला लीजिए। पर्ल लाइट मॉइस्चर को मेंटेन करता है, तो अगर आपके यहाँ अवेलेबल है तो ठीक है, वरना आप सैंड भी मिक्स कर सकते हैं, सैंड सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं होने देता है। आप अपने प्लांट पर गर्मियों में मिस्टिंग करते रहें, ये प्लांट क्या है ना, विंटर में बहुत ज़्यादा अच्छे से ग्रो करता है अगर आप वाटरिंग का ध्यान
रखें तो विंटर में भी आप देखा जाए तो ये साल भर चलने वाला प्लांट है, लेकिन विंटर में थोड़ा ये ओवर वाटरिंग की वजह से खराब हो सकता है। वैसे रूट्स से ये बहुत जल्दी खराब होता है, तो बस वही वाटरिंग का ध्यान रखिए और गर्मियों में मिस्टिंग करते रहिए, उससे ह्यूमिडिटी बनी हुई रहेगी और ह्यूमिडिटी अगर बनी रहेगी तो प्लांट बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। तो यहाँ पर मैं मिस्टिंग कर रही हूँ क्योंकि मेरे प्लांट में कुछ ड्राई डेफिशिएंसी देखने को मिली है, डिप्स येलो हो रही हैं, तो अब मुझे इसका प्रॉपर ध्यान रखना होगा। एक्चुअली घर में थोड़ा काम भी चल रहा है तो उस वजह से प्लांट्स पर मैं ध्यान भी नहीं दे पा रही हूँ, तो जहाँ जहाँ मुझे जो प्लांट्स दिखता जा रहा है उस पर मैं ध्यान दे रही हूँ, फिर भी थोड़ा कहीं ना कहीं तो छूट ही जाता है अगर आपका ध्यान कहीं और चला जाए। तो ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है अपने प्लांट्स में, इंडोर प्लांट्स पर अभी गर्मियों में मिस्टिंग करते रहें जब तक बारिशें नहीं आ जाती हैं। बारिश आ जाएगी और जो मॉनसून अपने चरम सीमा पे होगा तो आपको ये सब करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और बहुत ही अच्छी ग्रोथ आपके प्लांट में देखने को मिलेगी। पेस्ट की बात करें तो इसके ऊपर वाइट फ्लाइज जो होती है ना वो थोड़ा अटैक कर सकती है, तो जैसे आप मिस्टिंग करेंगे तो वैसे ही कोई कीड़ा नहीं लगेगा और इस पर स्पाइडर भी आपको देखने को मिल सकती है। तो कुछ नहीं, आप शावरिंग करते रहिए इसके ऊपर, मिस्टिंग करते रहिए, तो ये प्लांट हेल्दी रहेगा, कोई कीड़ा नहीं लगेगा। और अगर फिर भी आप चाहें तो नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। नीम ऑयल का स्प्रे कैसे करना है मेरे चैनल पर वीडियो है, आप सर्च करके देख सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये इस तरीके से जो येलो हो रही है लीव्स, तो वो भी ठीक हो जाएंगी बहुत जल्दी, उसका वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और इसकी फर्टिलाइज़र की बात करें तो सभी इंडोर प्लांट्स में साल में एक बार ही फर्टिलाइज़र देना चाहिए, या फिर अगर आप चाहें तो ड्राई जो चाय पत्ती का पाउडर होता है ना, जो आप घर में से जो वेस्ट निकलती है चाय पत्ती, उसको सुखा के और पाउडर बना के रख लीजिए, तो वो आप एक चम्मच दो महीने में एक बार दीजिए, ये प्लांट बहुत ही अच्छे से चलेगा। चाय पत्ती में एसिडिक, चाय पत्ती एसिडिक होती है, यानी कि उसमें जो क्षमता होती है ना प्लांट को प्रोटीन देने की, तो इस प्लांट को एसिडिक सॉइल पसंद होती है और चाय पत्ती मिट्टी को एसिडिक बनाती है, जो इसके लिए बहुत ही बढ़िया है। आई होप आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन ऑल पर प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक डायरेक्टली पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा।